नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल जोकर मूवी रिव्यूज में। आज जो मैं वेब सीरीज लेके आ रहा हूँ वो है मर्जी। अब आप पूछें किसकी मर्जी, ये मेरी मर्जी थी, मैंने देखी और उसके बाद मेरे दो ही रिएक्शन रहे। कुछ देर सन्नाटे में रह गया और कान फटी की फटी और आंखें खुली खुली रह गई। तो बाकी आप भी देखिए आपका क्या रिएक्शन रहता है, कमेंट बॉक्स में डालिएगा। और यार आगे बढ़ने से पहले यार ये चैनल को सब्सक्राइब जो नहीं करते हैं ना लोग, बड़ी बेईमानी करते हैं। और वीडियो अच्छी लगा करें तो यार लाइक भी कर दीजिए करो, है ना, भाई का ही चैनल है। तो चलिए शुरू करते हैं। यार स्टोरी पे मैं बाद में जाऊंगा क्योंकि स्टोरी इतनी कुछ खास है, ठीक है। तो जो डाउनलोड करके देखना चाह रहे हैं या फिर इधर उधर से देख के देखना चाह रहे हैं, टाइम पास करना चाह रहे हैं तो देख लो यार, यही और कुछ है नहीं आपके पास ऑप्शन। मगर अगर कोई सीरियसली अगर कोई देखना चाहते हैं तो रूट सीरीज में ही अगर देखना है तो असुर जरूर देख लेना है, ठीक है। बाकी अगर किसी के पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है, सब कुछ देख लिया है, तो फिर देख डालो, वन टाइम है, ठीक है। इतना ज़्यादा मतलब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है और इतनी दिमाग लगाने वाली है भी नहीं वेब सीरीज। तो चलो यार कास्टिंग पे चल लेते हैं, ज़्यादा इसमें घुसने की जरूरत नहीं है। राजीव खंडेलवाल है, आहाना कुमारा है, विवेक मिश्रण है, शिवानी टैंक सेल क्या नाम है, शिवानी टैंक सेल कर दी है उन्होंने। पावलीन गुजराल है, सुहास आहूजा है, राजीव सिद्धार्थ है। बड़ी दमदार कास्टिंग है यार, कास्टिंग एकदम दमदार है, एक्टिंग इन्होंने मतलब जो दमदार की है ना, मजा आ जाएगा देख के। तो ये है ना गिल्टी, आपने देखी थी तो गिल्टी के जो टॉपिक है ना, सेम टू सेम वैसे टॉपिक उठा के इसमें घुसड़ दिया गया है जबरदस्ती। और एक डेट रेप है, मतलब डेट पे जाते हैं रेप हो जाता है, क्या बात है। मतलब ऐसे ऐसे मतलब मी टू वाली फिल्म है ये, आप मान के चलिए। और कोई टॉपिक अब मिल नहीं रहा है तो कुछ भी घुसेड़ दो, मसाला डाल दो और बना के परोस दो। तो जो कहानी है बेसिकली दो लोगों के इर्द गिर्द घूमती है, जो अनुराग सरस्वत जो कि राजीव खंडेलवाल निभा रहे हैं, जिनका कैरेक्टर एक सिंगल फादर हैं जिनकी कोई वाइफ नहीं है और एक उनका बेटा भी है टीनेजर। और लेडी जो है वो समीरा जो आहाना कुमार निभा रही है जिसका रोल, इनका ही रेप हो जाता है। तो भैया एक शाम को ये जो दोनों लोग थे मिलते हैं डेट के लिए, और डेट पे ही कुछ ये मिला के पिला देते हैं जो अपने हीरो साहब हैं, और उनका कर देते हैं काम, ठीक है। ये पहुंचते हैं पुलिस स्टेशन, वहाँ पे दो पुलिस कॉप्स होते हैं, विवेक मिश्रण और पलवीन गुजरल, जो उनके विश्वास तो नहीं करते इनकी बातों का। तो ये उनको बताती हैं भाई उनका किस तरीके से मिसयूज़ हो गया है, अब मिसयूज़ कैसे हो गया है, हुआ है नहीं हुआ है, ये पूरी सीरीज़ में आप देखेंगे। सीरीज़ में आप देखेंगे कि जो समीरा हैं उनको कुछ डाइल्यूजनल प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें वो पहले भी किसी एक आदमी को रेप के लिए एक्यूज़ कर चुकी होती हैं। तो मगर जो इन्होंने एक्यूजन लगाया है उसको सीरियसली लिया जाता है नहीं लिया जाता है, ये इन सब के बीच में कि जो खिचड़ी बनती है ये उसके ऊपर की कहानी है। मैंने ये सोच के देखी थी कि असुर जो वुड में आई थी तो शायद उस लेवल की कुछ मूवी बनी होगी, मगर ये उस लेवल की नहीं है। 6 एपिसोड्स में है और 6 एपिसोड्स में से 3 एपिसोड के बाद आपका जी घिना जाएगा और आप नहीं देख पाएंगे इसको आगे। तो मी टू टॉपिक पे ये मूवी बनाई गई है और ये पूरी मूवी में ढूंढने की कोशिश होती है कि क्या उसने रेप किया था या नहीं किया था। जो बस यही बचा है, बस कोरोना में एक तो वैसी लगी पड़ी है, और ऐसी ऐसी किलर वेंचर जो आ रही है ना जो वेब सीरीज, वो और गांड फाड़ रही है। और इतना ड्रामा होने के बाद लास्ट में कहीं आपको ये पता चलेगा हल्का हल्का, मैं खोलना नहीं चाहता हूँ स्टोरी क्योंकि आप भी देखो और आप भी है ना अपना सर खुजाओ, तो कहीं ना कहीं आपको सीरियल ऑफेंडर वो सीरियल रेपिस्ट वाला कहाँ इसमें कहीं ना कहीं मिलेगा बीच में। तो देखो और मजे लो, बीच में फालतू के प्लॉट्स डाल दिए गए हैं जिनका इतना रिलेवेंसी नहीं दिखती है, नहीं भी डालते तो चल जाती कहानी, ऐसा कुछ खास था नहीं। लास्ट में आते आते जैसा कि हिंदी सिनेमा में होता है, और लास्ट में आते आते ये क्या होता है कि सारा जस्टिस मिलने लग जाता है, और मिल जाता है क्योंकि ये हिंदी सिनेमा की आदत है, लास्ट में तो जस्टिस मिलना ही मिलना है चाहे जैसे मिले। तो कई बार ऐसा होता है कि पूरे में आपको धीमे धीमे घुमाया जाता है, लास्ट में एकदम फटक से पटक दिया जाता है कि ये देखो मिल गया जस्टिस। अब इसमें कुछ कुछ चुतियापा जो मुझे लगा यार, देखो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है उसको कोई भी पेप नहीं मिलता है, ठीक है, मगर समीरा किडनैप कर लेती है इसको, ठीक है, और उसको टेप मिल जाता है। तो यार मतलब पुलिस क्या काल मरा रही है। समीरा उसके घर में घुसती है इतने दिनों के बाद, उसके बावजूद उसको वो ड्रग वाली बोतल मिल जाती है।
तो मतलब हीरो ने इसलिए रख रखा था, हीरो का विलियन को बैंचोत क्या था मेरे को समझ में नहीं आया। तो मतलब उसने रख रखी थी बॉटल संभाल के, भाई तू आना मेरा किडनैप करना, और ये मतलब हीरो विलियन जो भी कहो बेटी चोर को उसने सेट करके रखा था, जैसे कि मतलब वो आएगी मेरा किडनैप करेगी और मैं उसको एविडेंस यहाँ पर रख देता हूँ, वो लेके चल जाएगी। क्या चुतिया पा यार। जो मर्जी वेब सीरीज है वो एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है, और ये जो है रिवॉल्व होती है अराउंड अनुराग जो कि एक डॉक्टर का किरदार निभा रहे हैं, मुंबई में होते हैं, वहाँ से शिमला में चले आते हैं। समीरा यहाँ पे एक टीचर होती हैं, और अपने बच्चे की, इनका जो एक बच्चा भी होता है अनुराग का, जो राजीव खंडेलवा निभा रहे हैं इसका किरदार, तो इनकी टीचर जो हैं समीरा आहाना कुमारा, वो टीचर होती हैं इनके बेटे की। तो वहाँ पे फिर ये इस टीचर से मिलते हैं, मगर इनको मिलाने वाली इनकी, इनका बेटा नहीं होता है, जबकि इनकी बहन होती है समीरा की, जो भी एक डॉक्टर होती है वो इनको मिलाती है। और समीरा का उससे पहले एक एंगेजमेंट जो है वो टूट चुका होता है, तो वो वहाँ से थोड़ा परेशान भी थी, जो भी कहो अकेली थी, मान लीजिए तन्हा थी। तो वो इनसे मिलती हैं, एक डेट पर जाते हैं, और उस डेट में कुछ ये पिला देते हैं मिला के, जैसे सारे हरामी लौंडे करते हैं वैसे ये भी कर देते हैं, और वो पी के फिर फैल जाती हैं, उसके बाद ये कर देते हैं उसकी सुताई, है ना। फिर ये जाती हैं भाई समीरा की, भाई मेरी तो सुताई हो गई है, पुलिस को बताती है, पुलिस विश्वास नहीं करती, बोली नहीं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर ये कहानी चलती है, घिसती है, और आपकी मारती है, सबकी मारती है, और कैसे कैसे फिर आगे बढ़ती है, कैसे कैसे एविडेंस ढूंढे जाते हैं, फिर कैसे कैसे ये पता चलता है कि जो हमारे जो अनुराग जी हैं वो सीरियल किसर नहीं है, सीरियल रेपिस्ट नहीं, पहले भी एक दो लोगों का रेप कर चुके हैं, और ये लेडीज से मतलब द्वेष रखते हैं, वो लेडी जो मतलब काफ़ी पावर मतलब इन्फ्लुएंशियल है तो उनसे द्वेष करते हैं। तो लास्ट में सब कुछ पता चल जाता है, कैसे खुलती हैं बातें, मैं सारा खोलना नहीं चाहता हूँ, तो ये सब आप जब देखेंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। मुझे कुछ बातें ख़राब लगी इसमें, मतलब पुलिस जो है वो अपना काम नहीं कर पा रही है, और ये किडनैप कर लेती हैं अनुराग का, और अनुराग के घर में जाके ये सारे एविडेंस निकाल लाती हैं, टेप निकाल लाती हैं, और जो ड्रग वाली बॉटल होती है वो मिल जाती है। मतलब अजीब सा है वगैरह, क्या प्लॉटिंग है कहानी की, या फिर जो है एडिटिंग क्या है, मतलब जो स्क्रिप्ट राइटिंग है किस तरीके की है, मेरे को समझ में नहीं आया। बीच बीच में कुछ प्लॉट्स डाले गए हैं जिनका कोई रेलेवेंस नहीं है, नहीं भी डाले आते तो भी काम चल जाता। और समीरा को भी कई बार कई जगह लायर दिखाया गया है कि उन्होंने कई जगह एक्यूज कर दिया है और लोगों को कि भैया ये भी रेपिस्ट हैं, ये भी रेपिस्ट हैं। तो यार कुल मिला के कहूँ ना तो मतलब आपका सर दर्द हो जाएगा ये देख के। और अगर आपको ये नहीं देखना है तो आप रामायण देख लेना, महाभारत देख लेना, और अभी एक और आ रहा है फौजी, फिर से चालू हो रहा है, वो देख लेना, ठीक है। और रेटिंग की बात कर लेते हैं यार, कहानी बिल्कुल दमदार नहीं है। वूट वालों की थी एक सीरीज़, तो मैंने सोचा शायद असुर टाइप होगी, तो मैंने इसलिए देख ली, बाकी देखने लायक नहीं है। अगर नंबर दिए जाएँ इसको तो मैं 2 नंबर दूंगा, 2 नंबर से ज़्यादा इसको नहीं मिलने चाहिए, और कोई दे रहा है तो बहनचोद वो फिर वो समझ ले। अब रही बात देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए, वन टाइम है यार, टाइम पास कर लो। और रिव्यू अगर अच्छा लगा हो तो यार लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।